खैरियत से होंगे और मर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे हैं हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो आगे जो बाकी हिंदी में लिखा, और ये वीडियो है जैश ए मोहम्मद का कोई आतंकवादी जो है वो पकड़ा गया है कश्मीर में, तो उसके बारे में वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं ये वन जी, इसकी शहादत पे क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई, आप भी कर पाएंगे जिसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हैं? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने, तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर हुआ, इसमें पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। हालांकि इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी शहीद हुए। मुदस्सिर अहमद एक बहादुर पुलिसकर्मी थे और वो लगातार ऐसे मोर्चों पर तैनात रहना पसंद करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कश्मीर को आतंक मुक्त बनाया जा सके। उनके शहादत पर उनके पिता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जी। इसकी शहादत पे क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई, आप भी कर पाएंगे जिसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हैं? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने, तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी इसने। आखिरी बार कब बात हुई? आज 3 दिन पहले। बहन की शादी, हमने बोला छुट्टी आ जाओ, बोला 4 दिन रहेंगे फिर छुट्टी आऊंगा, मिल नहीं रही, छुट्टी मिल नहीं रही। तो क्या कहेंगे आप इस तरह जो पाकिस्तान हरकतें रोज रोज कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? हमें ये कहते हैं कि एक दिन में निकल जाए, या खुदरा है हिंदुस्तान, 2 दिन के बाद बातचीत हो जाती है, एक ही दिन हला करें, सिविल लेकर आजाद कश्मीर अपनी वापस ले लेंगे, होता रहेगा। आज मेरा बच्चा मर गया, कल दूसरे का मर जाएगा, परसों तीसरे का मर जाएगा, गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को तो एक चीज का फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, एक राशन कार्ड का हो जाएगा और क्या हो। एक चीज बोलूं, हजारे माएं हैं, बेटियां हैं जिनके पति मर गए हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं, हुआ कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, हार चार कर दिए, हो गया, काम बन गया ये, मगर पता उनको कि जिनके सीने में आग जल रही है। मुदस्सिर अहमद को शहादत के बाद उन्हें सलामी दी गई। एनकाउंटर के बारे में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि हमने पूरे कश्मीर में कई जगहों पर नाका लगाया हुआ था। गुलमर्ग के पास किरीरी क्षेत्र में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुआ, जिसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारकर ढेर कर दिए गए। चलो ये वीडियो ख़त्म हो गई। और कैसे मुसलमान है, एक मुसलमान है जो हक पर है और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ना हक हैं और वो बेगुनाह लोगों को मारने पर तुले हुए हैं, तो कितना फ़र्क है सोच में, कितना फ़र्क है। और पता नहीं इन लोगों के जहन में भरा क्या होता है यार, मुझे तो समझ नहीं। इनके जहन में भूसा भरा होता है, इनके जहन वाश की होते हैं। और कंट्री किस हालत में जा रहा है, कंट्री में जो खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये दूसरे की तबाही के ऊपर तुले हुए हैं, पता नहीं ये इनको ये अच्छा, ये इस तरह बम धमाके करने के लिए फंडिंग आ जाती है। कंट्री में जो हालात चल रहे हैं उसका कोई पता नहीं इनको, कि अपने लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, तो उनके बारे में साफ में भाई जो इन्होंने नारा लगाया कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेकर रहेंगे, ऐसे बम धमाके फोड़ने से, मासूम लोगों को मारने से इनको कश्मीर मिल जाए। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा रकबा है, पाकिस्तान का अलहदा और कश्मीर का अलहदा, ठीक है ना, उसको तो पहले सुधार ले, पहले दूसरे उसको। अच्छा ये कश्मीर के दोस्त है, ये कश्मीर को भी इधर ला कर भूखा मारेंगे, ना उधर तेल मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना पेट्रोल मिलेगा, फिर जाके इनको खुशी मिलेगी। अब जो वो अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, 4 पैसे वो कमा रहे हैं, उधर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो सही तरीके से चल रहे हैं, हमारे मुल्क से ज्यादा उधर इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो सही बात है, ऐसे ही है भाई, वो खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब
देखा जाए तो भाई जो भी ये आतंकवाद उधर फैलाते हैं, जो भी ये जैश ए मोहम्मद या जो भी ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो ये इंसानियत के तो बिल्कुल खिलाफ है। मैं कहता हूँ कोई भी इंसान जो है ना, इंसान का बच्चा हो ना, वो किसी बेगुनाह को ऐसे ही नहीं मारेगा। वो तो जालिम लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और ये देखो जो जन्नत के, पता नहीं जन्नत का लालच होता है या पैसों का लालच होता है, जन्नत कहाँ से आ गई, जन्नत ऐसे मिल जाती है। और पैसों के लालच में कुछ ये पैसे लेकर वो जाते हैं उधर, जो मासूम लोगों को मारते हैं। तो क्या क्या ये भाई, ये कंट्री का अमन सुकून तबाह करने के लिए जाते हैं भाई, ये मुसलमान है, ये तो जो शहीद हुआ है वो भी तो मुसलमान ही है। वो शान से, शान से भाई अपने कंट्री के वालिद साहब देखो, अपने लोगों की हिफाजत करते हुए। ये तो जो आतंकवादी अगर कोई मरता है तो कौन भाई उस पे फख्र करता है, लानत भेजते हैं सब, लानत हम भी भेज रहे हैं ना। जो इस तरह मासूम लोगों को मारता भाई, वो लानत के काबिल है, वो सलूक के काबिल। ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए जहाँ से भी मिले, जो मुल्क का अमन सुकून बर्बाद करना चाहते हैं टोले, अगर उनको ठोकना चाहिए, हम इसके हक में बिल्कुल ठोके। जो इस तरह मासूम लोगों को मारता है उसको ठोके, खुले आम ठोके। तो ठीक है भाई, ये कभी नहीं सुधरेंगे। जो हालात चल रहे हैं इस हालात में भी अगर वो उधर अटैक किए जा रहे हैं तो क्या हालत होगी भाई, पाकिस्तान कैसे सुधर सकता है। तो ठीक है, मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।